है गाइज, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। गाइज, अभी जो है कोरोना का बहुत ही ज़्यादा महामारी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और लेकिन इस महामारी के बीच एक बहुत अच्छी खबर है। 1 मई से इंडिया में जो है वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, और उसके लिए गाइज हम लोगों को गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी हम लोगों को वैक्सीन लग सकती है। तो गाइज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे एक अफवाह भी आ रही है कि वैक्सीन लगवाने से फीवर आ रहा है, लेकिन गाइज़ जब मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको जो है जो लोग मतलब यंग एज के हैं, जो 18 प्लस के हैं, मतलब जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है गाइज, वो वैक्सीन को लगवा सकते हैं। अदरवाइज जो 45 प्लस हैं और जिनको ऑलरेडी बीमारी वगैरह है, ठीक है ना, तो वो वैक्सीन अभी ना लगवाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जिनको ऑलरेडी एक बीमारी है और वैक्सीन लगाने से अभी फीवर वगैरह हल्का हल्का आ रहा है, ये तो मैंने सुना है। तो उसके लिए एक दवा भी वो लोग दे रहे हैं कि अगर मतलब फीवर आता है तो आप जो है वो दवा खा सकते हैं, तो आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन गाइज अगर आपको पहले से ही कोई एक्स्ट्रा जैसे बीमारी है, तो आप वैक्सीन अभी ना लगवाएँ, कुछ दिन रुक जाएँ, ठीक है ना। तो गाइज चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीका है गाइज। इसमें सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट लगेगा, जो भी आप आधार कार्ड मेन है, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो चलिए गाइज वीडियो को एंड तक देखते रहिए और मैं आपको पूरा समझाता हूँ। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है कि cowin.gov.in पे आपको जाना है गूगल पे सर्च करके, और सीधे आपको ये पहला वाला जो दिख रहा है इस पर कोविन पे आपको टच करना है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हाउ इज़ इट वर्क, किस तरीके से काम करता है रजिस्टर योर सेल्फ, सब मतलब सारा इंस्ट्रक्शन आपको दिया रहा है, यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बता रहा है कि कितने लोगों को लग चुका है, कितने फीमेल कितने मेल, सब कुछ यहाँ पे बता रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। चलिएगा मैं आपको फाइनली मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए दो मेथड है, या तो रजिस्टर योर सेल्फ कर सकते हैं, या तो आरोग्य सेतु से कर सकते हैं। तो मैं आपको रजिस्टर योर सेल्फ करके बताता हूँ। क्लिक करते हैं गाइज, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, देन इसके बाद एक ओटीपी आएगा। ओके, ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ओके गाइज, देन आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप एक मोबाइल से 4 मेंबर, यानी कि आपके घर में अगर 4 लोग हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं सिर्फ एक मोबाइल नंबर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके बारे में नोट दिया है, आपको अच्छे से इसको रीड कर लेना। देन आपको यहाँ पे रजिस्टर मेंबर पर क्लिक करना है, ठीक है ना। इतना करने के बाद गाइज आप जब रजिस्टर मेंबर पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आपको फ़ोटो, आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या इसमें से जो भी आपके पास है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए गाइज मैंने आधार कार्ड डाल दिया है। अब आधार कार्ड पे जो नेम आपका पड़ा है वो सेम टू सेम आपको डालना है, ठीक है ना। यहाँ पे डालने के बाद आपको मेल फीमेल जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन गाइज आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जो यहाँ पे बर्थ आप डालना है, इस पर सिर्फ ईयर आपको डालना है, यानी कि बर्थ इंटर रिक्वायर्ड जो होगा ना वो आपको ईयर डालना है, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद गाइज आप जो है रजिस्टर हो जाएंगे, सक्सेसफुली आपका जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा। देन आपको मैसेज करके आपको बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे इस हॉस्पिटल में आपको अपॉइंटमेंट मिला है। ओके, चलिए शेड्यूल करके देखते हैं कि क्या सीन है इसमें। शेड्यूल आप गाइस यहाँ पे करेंगे तो चलिए शेड्यूल यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जहाँ आप रहते हैं आपको वहाँ पे इंटरसिटी जो पिन नंबर हो तो वो डालना है। तो पिन नंबर डालने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि किन किन हॉस्पिटल्स पे आपको अवेलेबल है। तो आपके सामने गाइज यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स के नाम खुल के आएंगे, ठीक है ना, जहाँ पे आपको वैक्सीन लगाई जाएगी, ठीक है ना। तो वो आपको मेल करके या मैसेज करके बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर आना है। तो आई होप गाइज आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।